भेज दिया, सेल भेज दिया, आपका एयरपोर्ट भेज दिया, अडानी को दे दिया, तो अडानी का जेब बड़ा हो रहा है, जनता का नहीं हो रहा है। सिर्फ जुमलेबाजी, भाषण, बड़े बड़े वादे के बोलने पे कोई सपना पूरा नहीं हुआ इस देश का। बहुत तरक्त है मोदी सरकार से, बेरोजगारी से, एजुकेशन से। पूरे इंडिया में आप 1000 का सिलेंडर देते, संकल्प लेके जाएंगे 2024 में कांग्रेस आएंगी। जो कांग्रेस ने बनाया उसका रिबिन काट के अपना नाम कर रहे हैं, शहीदों में नाम लिखाना पता है ना आपको, तो वो बीजेपी कर रही है। रेल भेज दिया, सेल भेज दिया, आपका एयरपोर्ट भेज दिया। कोल इंडिया ऐसा है जो 75% कोल आपको देश को देता है, आज वो भी बिकने पे निकाल दिया है। तो आपका जितना भी पावर है वो सब महंगा हो जाएगा। आज बिजली फ्री बोल रहे, बिजली फ्री नहीं हो सकती है लेकिन महंगी हो जाएंगी, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। दे रहे अडानी को, जो कोल इंडिया कर सकता, जो गवर्नमेंट सेक्टर प्रोडक्शन कर सकता है, आप कोल उसको छोड़ के अडानी को दे दे। अडानी क्या कर रहा, वही कोल को मार्केट में बिक रहा है, तो अडानी का जेब बड़ा हो रहा है, जनता का नहीं हो रहा है। जो जनता के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी, भाषण, बड़े बड़े वादे। सपने तो अपन नींद में भी देख सकते हैं ना, उनके सुनने के जरूरी थोड़ी है, सपने तो नींद में भी देख सकते हैं। बड़े बड़े सपने, मेरे पास ताजमहल है, हवाई जहाज है, लेकिन उनके बोलने पे कोई सपना पूरा नहीं हुआ इस देश का। ये मोदी सरकार के खिलाफ आई है, जो कि बहुत तरस्त है मोदी सरकार से, बेरोजगारी से, एजुकेशन से, हर चीज से। एक राज्य में आप 450 में देते हो सिलेंडर, और पूरे इंडिया में आप 1000 का सिलेंडर देते हैं, और 200 रुपए का लॉलीपॉप देके सबको बताते हो, महंगाई 1000-2000 बढ़ाते हो। तो इसके बारे में कह, ये जनता को कोई खिला पिला के नहीं बुला गया, करोड़ों की इसमें जनता है। ये बुल्टाना से आए हैं, 200-500 किलोमीटर से, सब सिर्फ मोदी के खिलाफ, ओनली मोदी। बिल्कुल ये संकल्प लेके जाएंगे 2024 में कांग्रेस आएंगी, और देश को जो हिसाब से पहले देश को आजाद दिलाने वाले कांग्रेस है, यहाँ तक जितने भी टेक्नोलॉजी लॉन्च हुए सब कांग्रेस ही दिलाई हुई, विकास नहीं कर रहे। जो कांग्रेस ने बनाया उसका सिर्फ उद्घाटन करके रिबिन काट के अपना नाम कर रहे हैं, शहीदों में नाम लिखाना पता है ना आपको, तो वो बीजेपी कर रही है। तो शहीदों में नाम लिखा, अब जनता जाग चुकी है, जनता में बहुत गुस्सा है, आक्रोश है, मोहब्बत जो एक दूसरे की मोहब्बत थी वो खत्म कर दी है, दुश्मनी पैदा कर रही है। एक भाई अपने भाई को नहीं देख सकता है, बाजू वाले को दुश्मनी हो गई है। बस हिंदू मुस्लिम, देश देश देश, दो ही देश, दो ही। हमको क्या लेना पड़ोसी देश से, हमारे देश की बेरोजगारी, एजुकेशन, इसमें सुधार लाना चाहिए। क्या आप सोचेंगे इतने लोग कैसे आए, ये सिर्फ मोदी सरकार के विरुद्ध आए हुए हैं। और देश को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है, नहीं तो देश एक अंधकार में चले जाएगा और श्रीलंका की ओर चले जाएगा।